आइए सबसे पहले गणेश जी के चरणों में दो पंक्तियां लिख कर I'm not afraid.
I'm
आज अगर शेखानी से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? सिर पे हाथ। हूँ? सिर पे हाथ। सिर पे हाथ। चलिए आपकी तरफ से बोलते हैं। जी शाह कर दी। फाइनल। जी कर दी। माँ से कहते हैं कि ऐसा दो वरदान के मैया, ऐसा दो वरदान के मैया, हर दम साथ हमारा हो। ऐसा दो वरदान के मैया, हर दम साथ हमारा हो। जब भी जन्म मिले मेरी मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा हो। जब भी जन्म सिर पे हाथ, हर जन्म में ये बेटा भी, हर जन्म में ये बेटा भी तेरी आंख का तारा हो। जब भी जन्म मिले मेरी मैया, कैसे कैसे लड़ाई यार, कितना भगवान तुम्हें आंख मारा था, तब जाकर मेरी आंख क्यों मारा था? बोले सच्चे दरबार की जो मैंने मांगा सही मांगा गया आपके लिए, किसको किसको ऐसा चाहिए? तालियां बजा के बात भाई, हाथ मत बांधना, एक साथ बजा के बोलना क्या? ऐसा दो वरदान के मैया, ऐसा दो वरदान के मैया, हर दम साथ हमारा हो। ऐसा दो वरदान के मैया, हर दम साथ हमारा हो। जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ, जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा हो। हर जन्म में ये बेटा भी, हर जन्म में ये बेटा भी तेरी आंख का तारा हो। जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा हो। जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा हो। पॉकेट में कोई चीज़ नहीं मिले, हर चीज़ के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। आपने लिए भी आपका गाँव, शादी के लिए गाँव, जरा हाथ खोलो, जरा मैं यहाँ बजाऊँ, भैया बजाएगा सारी। संसार में दादी तुझको अपना है पाया, स्वार्थ के संसार में दादी तुझको है अपना पाया। तेरी कृपा बनी रहेगी, तेरी कृपा बनी रहेगी, ये विश्वास हमारा हो। तेरी कृपा बनी रहेगी, ये विश्वास हमारा हो। जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा हो। जब भी जन्म मिले मेरे मैया, सिर पे हाथ तुम्हारा। दोनों हाथ खोल के प्रेम से एक साथ दादी के नाम की तालियां बजाएं जरा प्रेम से।
तेरी कृपा बनी रहेगी, तेरी कृपा बनी रहेगी, ये विश्वास हमारा हो, तेरी कृपा बनी रहेगी, ये विश्वास हमारा हो। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहना है, नहीं मांग रहे हो ना कि नहीं मांग रहे हो। देखिए मेरी औकात नहीं है कि मैं आपकी बात इनके चरणों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरी अभी तक नहीं पहुंचा पाया। तो अपने अपनी बात अपने आप को रखनी होगी, और हमारा सनातन धर्म यहाँ से है, दिल से। दिमाग से जो सोचते हैं ना वो धर्म नहीं होता, जो दिल से सोचते हैं वो धर्म होता है। हम जो कुछ यहाँ करते हैं, आप गाड़ी बजाओ, हाथ उठाओ, कुछ भी करो, ये सिर्फ दिल बोलता है इसलिए करते हैं, दिमाग नहीं बोलता। हम चाहते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, जो मांगना चाहता हो, भजन खत्म हुआ, दिल से एकदम दोनों हाथ खड़े करके पांच बार बोलना, जब भी जन्म मिले मेरी मैया सिर पे हाथ उठाओ, हाथ पूरे हाथ और पूरी ताकत से बोलना कि जब भी जन्म मिले मेरी मैया सिर पे हाथ उठाओ, जब भी जन्म मिले मेरी मैया सिर पे हाथ विश्वास के साथ कहते हैं, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आप करो, हम बिल्कुल साथ देंगे आपका। बोलो क्या बोलती है दादी, कर लो कि कुछ और नहीं, मैं आया तुमसे मांगने, मुझे नौकर रख ले दादी झुंझन धाम में, कुछ और नहीं, मैं आया तुमसे, मुझे नौकर रख ले दादी झुंझन धाम में, तू लगा मुझे तेरी सेवा के काम में, झुंझनू धाम में
ये दिल कृपा तो करना चल जाए घर का खर्चा, ये दिल कृपा तो करना चल जाए घर का खर्चा। मेरा हाथ न पहले तो बता दी मैं झूठन धाम में, झूठन धाम में, झूठन धाम में। जोश कैसे आएगा, है ना? दादी जी को बुलाते हो, सारे मिलके बोलना कि आओ ना
परिवार तुम्हारा है, तेरा ही सहारा है। बोलिए, परिवार तुम्हारा है, तेरा ही सहारा है। आओ ना आओ ना आओ ना, पति जी हमारे घर आओ ना। आज प्रकाश जी बता रहे थे कि घर में कभी यहाँ ब्याह बहुत है पुरलिया में, ना बोले बहुत सारा ब्याह है, आज बड़ा तो सीजन चल रहा है। हमारे कलकत्ते में आजकल क्या है, कार्ड थोड़ा कम हो गया है, लोग आजकल व्हाट्सएप पे ही बुला लेते हैं, तो कई लोग बोलते हैं देखो भाई व्हाट्सएप तो आयो है पर जब तक फोन को नहीं आओगे मैं जाऊँ गोली, जब तक फोन को नहीं आओगे मैं जाऊँ गोली। वैसे ही दादी जी को हमने गा के बता तो दिया लेकिन पूरा जोर नहीं लगे, दादी जी आएगी नहीं। बोली सच्चे दरबार की पूरी ताकत से बोलिए गए सब क्या बोले सच्चे दरबार है कि
देखिए मैंने कहा दिल से काम कीजिएगा, यहाँ से मत काम कीजिएगा। अभी दादी को कैसे बुलाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके भाव से उठाओ हाथ, ताड़ी मारो जाना, आइए आइए आइए, ठीक है ना, चलो उठाओ हाथ एक साथ। नौकरी पक्की होगी दादी जी, आगे सब कुछ होगा। और दादी ने प्यार से बैठ कर के बोला, दादी किताब बढ़िया से प्रीत निभाया सरसी, किताब बढ़िया से प्रीत निभाया सरसी, गोदी में बैठा सिर हाथ फिराया सरसी, गोदी में बैठा सिर हाथ फिराया। दादी जी आइए आपके पास, बैठिए तो बैठो तो जाओगे ना माँ के पास, और जब माँ के गोद में बैठा तो माँ सिर्फ हाथ खिलाओगी, कौन खिलाओगी, कौन कौन खिलाना चाहे, बोली रानी सती दादी की जय। दिल से दादी जी बोलियो, किताब बढ़िया से पीछे से जितनी बीच में बहुत जगह खाली है, थोड़ी थोड़ी बढ़ जाओ आप लोग, ज्यादा मत बढ़िएगा ठीक है, आप लोग पीछे से बोलो तो इतनी जगह तो चाहिए इन लोगों में ना। Oh, nothing.
सहमत होकर दोनों हाथ बिना बोले खड़े करें। जब जब ये लाइन आए, वीडियो नहीं करना है, एक बार सारे लिए
अपने घर के खर्चा बोलो होंठ चलाने वाली मैया झूमने वाली जब जब हम पर आए बोलो कितने चाली मैया झूमने वाली मैया भजन आगे बढ़ता बढ़ते पहले 5-25 होता था फिर 15 हो गया फिर 10 हो गया 5 हो गया कोई सच्चे दरबार की वेरी गुड बस यही चीज लगा यहाँ पे खड़ा होकर एक भी शब्द नहीं बोलूं मेरे को क्यों इतनी भाषण देने की दरकार है ना अगर सब अपने आप ही गाए लेकिन हम नहीं गा सकते अपने आप हमें जगाना पड़ता है हमें बोलना पड़ता है जो ज्यादा भाषण देता है लोगों को ज्यादा पसंद आता है बोलिए सच्चे दरबार की मैं तो मेरे को डायलॉग आता ही नहीं ज्यादा बोलना मैं गाली बना के बोल ही नहीं सकता हूँ ज्यादा फिर भी थोड़ा थोड़ा जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ आपके सामने बोलो किसके आने से घर में आती ऐसो दिन आवे जीवन बोझ से चलो
संभाले, काजी जी है घर की मुखिया वो ही हमें संभाले, इनकी मर्जी के बिन घर का पत्ता भी ना हाले, अरे इनकी मर्जी के बिन घर का पत्ता भी ना हाले, घर की मालिक इनका मान बढ़ाने आए हैं, घर की मालिक इनका मान बढ़ाने आए हैं, इन लोगों को तो खड़ा कर दिया, आप लोगों को तो बैठ के सिखा दिया, एक साथ जरा झूम के गुप्ता बने आए हैं कसने बने आए हैं बार।
जो दीवाने हैं मेरे गाने से दिखाती के नाम के वही हाथ खड़े करना और पूरी ताकत से आखिरी बात जोर लगा के बोलना, चाहे दाएं बैठे हो चाहे बाएं बैठे हो चाहे माँ के सामने बैठे हो, पूरे हाथ खड़े करो और पूरी जोर से बोलने लगे संज्ञा दीवाने आए हैं उनका स्वागत करें और उनका सम्मान करें। बोल सच्चे दरबार की जय। गर्मी आ गई बोले सच्चे दरबार की। देखिए ऐसा सुनाता हूँ प्रियंका, कैमरा हो गया। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। एक बार हनुमान जी के पास भरत जी और शत्रुघ्न जी आए, बोला महाराज छुट्टी पे जाओ, महाराज छुट्टी पे जाओ। बोले केजी की छुट्टी पे जाओ, बोला हनुमान जी की ड्यूटी सब हो जाओ। अब हनुमान जी की ड्यूटी सब क्यों हो गए? हनुमान जी बोले यह एक बात, बोले देखो भरत जी की तरफ देखो, भरत जी की तरफ देखो, 14 बरस तक इंतजार किया है कि कब भगवान वनवास काल का होगा और कब सेवा को मौका मिलेगा। लेकिन भगवान वनवास भी काट का आगा, गद्दी पर भी बैठ गया लेकिन सेवा को मौको को नहीं मिलो, क्योंकि सागा आया थे। अब कोई भी काम उसी रामचंद्र जी को पूर्ण कर सी तो भरत को नंबर किया, थोड़ा सोचो इनके बारे में। तो हनुमान जी सोचा, तो हमें पति से बात कर पुनः कर सबके सामने किसी की बात करती है, बोले सच्चे दरबार की। कहा था मैं? हनुमान जी ने सोचा और कह दिया कि मैं तो ड्यूटी सौंप नहीं हो सकता। तो भरत जी शत्रुघ्न जी तो चले गए, लक्ष्मण जी ने विचार किया और हनुमान जी से कहा महाराज कल रामचंद्र जी कह रहे थे कि कोई दिन हनुमान फुर्सत में हो तो उसे भेजना अयोध्या भ्रमण के लिए, ये देख क्या है कि जिस दिन से मैं गद्दी पर बैठा हूँ उस दिन से जनता सुखी है कि नहीं। तो हनुमान जी को लगा ये काम तो भगवान का है, चले गए। जब हनुमान जी भ्रमण कर रहे थे तो एक दोपहर के टाइम हो गए, सुबह से निकले हुए 1:30 बजी होगी, तो एक साहूकार की नजर पड़ी। साहूकार समझते हैं आप लोग, दुकानदार की नजर पड़ी। बोले लाके तो हनुमान जी दिशा ही है भाई। बोला महाराज उधर किया? बोले रामचंद्र जी भेजा देखने के लिए मेरी जनता सुखी है कि नहीं। तो बोला महाराज जब इतनी दूर आया तो मेरी दुकान बगल में ही है, क्या जाओ मैं धन्य हो जाऊंगा। तो हनुमान जी की दिक्कत थी, हनुमान जी घुस गए दुकान के अंदर। अब जय दुकान में घुसा भैया बना एहसास हो कि आदमी के लिए बुलाया धर्म पुरुलिया को मेरे को नहीं कलकत्ता को कपड़ा बाजार को बताऊं। दोपहर में जब बाजार ठंड हो दुकानदारी को नहीं हो तो मैं आदमी खोजा कि कोई मिल जाओ तो टाइम पास हो, बैठ कर बात करेगा इनने की बिनने की तो टाइम पास होती। तो हनुमान जी ने ये सोच कर बिठाओ कि थोड़ी इनने की थोड़ी बिनने की बात करूंगा तब तक दुकानदारी शुरू हो जाओगी। तो हनुमान जी तो घुसते ही समझ गए लास्ट में बढ़िया दुकानदारी करूंगा। बोला पूछ करें के पूछ लो, बोला भाई लंका किया वाली लंका कैसे जलाई, सुनाओ सुनने का मूड है पक्का? और उन्होंने क्या पूछा, हनुमान जी ने कैसा बताया वही भजन है। उन्होंने कहा कि तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। अब हनुमान जी ने कहा लंका गया मैया को खोजने में लंका गया, मैया को खोज मैंने अर्ज किया, मैया को खोज मैंने अर्ज किया। जब हनुमान जी की सारी बात खत्म हो गई कि किस उद्देश्य से आए हैं तो उनके आखिरी शब्द थे सीता जी के सामने कहा है, हे माई बड़ी जोर से मुझको भूख लगी, बड़ी जोर से मुझको भूख लगी, बता दो हनुमान कैसे लगता जले, बता दो हनुमान कैसे लगता जले। इतने में बाजार में थोड़ी हलचल हुई, साहूकार ने
सीता जी ने हनुमान जी से कहा, मैया ने कहा वाटिका में फल है भरे, मैया ने कहा वाटिका में फल है भरे, खा लो हनुमान जितना भी जी करे, खा लो हनुमान जितना भी जी करे, मैं खुद बड़ा खाने को आ गया मुझे मिली, मैं खुद बड़ा खाने को आ गया मुझे मिली, बता दो हनुमान कैसे लंका जले, बता दो हनुमान कैसे लंका जले। अब भाई जी धारणी से दो चार ग्राहक दुकान में वाला का दूसरी दुकान में, तो हनुमान जी ने बोला महाराज स्पीड बढ़ाओ और गाड़ी में निपटाओ, दुकानदारी शुरू हो रही है। फरमाया था एक बार शुरू क्यों तो पूरी खत्म करूंगा, बीच में रोका टोकी नहीं करेगा। हनुमान जी ने गुस्सा को, मैं खा रहा था फल दानव घेरने लगे, मैं खा रहा था फल दानव घेरने लगे, ललकारा मुझे और मुझे छेड़ने लगे, ललकारा मुझे और मुझे छेड़ने लगे, उठा उठा के पटका के पटका और देवी बली, उठा उठा के पटका और देवी बली। हनुमान जी बोले साहूकार करे तो सूर्य का की तो बताना पड़ती हुई लंका क्या करे, चार आइटम मिलेगा तेरी दुकान में। बोला कौन सा महाराज, बोले पटो पकड़ो। बोला के बात करो महाराज, कपड़ा की दुकान है थान का थान खोल दूंगा। और बोलो, बोले बड़ी रस्सी, बोले काली डांडे के ऊपर रखाई देवानी चौतार। और बोलो, बोले बढ़िया घी को टम्बो। बोला महाराज घर भी पीछे ये घी भी आ जाओ। और बोलो, तो बोले सागर माचिस भी मिलेगी कि, बोले माचिस क्या करेंगे, माचिस भी आ जाओ आगे भाई चारों चीज। बोले तेरी दुकान को खंभो देख रहे हो, बोले देख रहा हूँ, एक खंभा सा मतलब बांध रहे हैं, फुल टाइट एंड टाइट बांध दियो, कपड़ों में पूछ पर लपेट दे और घी डाल दे। और मान जी बोला, रावण के द्वार पे मुझे लाया गया, रावण के द्वार पे मुझे लाया गया, बड़े से खंभे से बधाया गया, बड़े से खंभे से बधाया गया। ऐसा होगा मच्छी जला और आग लगा रे लो महाराज। मुझे आया गुस्सा जब पूछ चली, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये दीवार से भी दीवार से भी दीवार से भी दीवार से चारों तरफ आ गया आ गया। सौ बार दुकान का बाहर में बोले महाराज दुकान बाहर दिया, दुकान बाहर दिया। अब हनुमान जी क्या प्रखंड बहादुर का बोला, देखो जी साहूकार ऐसे लंका जली, देखो जी साहूकार ऐसे लंका जली। लेकिन साहूकार गरम बोले मान जी एक बात बताओ, खाने रामचंद्र जी के बोल के भेजा था कि जनता सुखी है कि नहीं, फिर मेरी दुकान बाहर के जाओगा और भगवान ने बोलोगा जनता सुखी है तो भगवान मानेगा, एक तो फैसलो रामचंद्र जी करेगा कि जो हनुमान जी आज काम किया है वो गलत है कि आया दरबार में। बोले महाराज, बोले क्यों बड़ी, बोले पूछो इससे, अब शब्दों का फर्क समझिएगा कि आप क्या बोल रहा था, बता दो हनुमान कैसे, जोर से बोलिए बता दो हनुमान कैसे, मजड़ा का बता दी मजड़ा का, अब अगर मैंने बोल दो कि सुना दो हनुमान कैसे, सुना दो हनुमान कैसे, तुम सुना दे दो गलती मेरी थी जो गलत भाव से तुमने बुलाए हो। हनुमान जी ने उठाया जाकर दुकान जिसी भी किसी भी लगी तरह, लेकिन कभी भी कोई ना छोटो समझ के तुच्छ समझ के हंसी को पात्र समझ के इन्हें मजगने की चेष्टा भी से मत करिए। बोलिए बालाजी महाराज की, हम लोग आपस में बात करते हैं, बताना यार तो सुनाना यार, कितना फर्क करके बता दिया बताने का मतलब। और अब हनुमान जी को पूछना हो तो क्या बोलोगे, सुनाने बोलोगे ना, बताने मत बोलना। तो ये गलती हमने सामने की, भावी पर हाथ हनुमान जी के लिए, पूरे हाथ धो क्या बोलोगे, सुना तो है हनुमान कैसे लंका जली, 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 सुना तो है हनुमान कैसे। बोल बोल पुत्र हनुमान की जय, बोल वीर बजरंग बली की जय, हर हर पंजाब में सिख कहते हो यो के तो अब भंगो भगवान शंकर टमनू देख के खुश हो जाओ। बोले अब बोला जब भी भगत क्या करे कि ओए होए के टमनू पांच चढ़ के
द्वार तेरे आया संग घुंघरू भिलाया आया द्वार तेरे आया संग घुंघरू भिलाया ओ मुझे बाद के नाचन दे ओ मुझे बाद के नाचन दे लेकिन बाबा हुआ है कि डमरू तो ये भजन में थोड़ा हाथ क्यों होना चाहिए हैं उठाओ ओए होए कि डमरू परिवार के तो झुक झुक के ही मारी
Thank you.
अरे यार दुर्गा पूजा होता है क्या? कैसा होता है? आप यार बांग्ला बोलते बारे भालो करे दो लाइन दुर्गा जी की सुनाओ। हाँ छोटी छोटी गलियां बाबा सो
ओम जय श्री राम।
रानी सती जी मैया मरकत मणि मंदिर अति मंजुल अड़े ललित ध्वजा चहोर लाल ध्वजा चहोर प्रकार के व्यंजन श्री बल भेट धरे ओम जय श्री रानी सती जी मैया संकट विकट विनारणी नाशिनी हो कुमती हो मैया नाशिनी हो कुमती सेवक जनहित पटले बालक जनहित पटले प्रजुल करण सुमती ओम जय श्री रानी सती जी मैया अमल कमल दल लो की आरती जो कोई कर गावे ओ मैया जो मन सुन गावे सरल सीधि नवनीधि अष्ट सिद्धि नवनीधि मनवांछित फल पावे ओ जय श्री रानी सती जी मैया ओ जय श्री रानी सती जी मैया अपने भक्त जनों की अपने दास जनों की दूर करो विपत्ति ओम जय श्री रानी सती जी मैया हर भारती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जा केवल से गिर वर कापे अंजनी बोध महावरदारी संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जाई सिया सुधि लाए लंका सुकोटि समोर सिखाए ज्ञान पवन सुत मार जलाए लंका जाई असुर संहारे सिया राम जी के काज पर आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोरी अमरकारे अहि रावण की भुजा उखाड़े पाए भुजान जी उचारे कंचन थाल कपूर लोबाती आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बसु जय जय सिया राम जय सिया राम 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 जय जय सिया राम।